गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, जो क्लास 11 में हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर हुआ हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स चैप्टर ही हमारा है यहाँ पर, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और इसको हम लोग मोशन इन वन डी वन डायमेंशन, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर। काइनेमेटिक्स हमारा मैकेनिक्स का ही ब्रांच है। पहले हम लोग मैकेनिक्स समझे, यहाँ पर हम लोगों को मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें कोई बॉडी हमारा मोशन में हो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ए बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कोई भी बॉडी हमारा मोशन में है उसके बारे में, वह हमारा मैकेनिक्स कहलाता है। मैकेनिक्स का सब ब्रांच है यहां पर, सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का सब ब्रांच में तीन हमारा, फर्स्ट है यहां पर स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में है कि कोई भी बॉडी है अगर वह रेस्ट में है और या इक्विलिब्रियम में है, यानी कि नेट फोर्स उस पर जीरो हो, तो बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, वो रेस्ट में होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग जो स्टडी करेंगे मैकेनिक्स के जिस ब्रांच में, उसी को कहते हैं स्टैटिक्स। इट इज स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बहुत सा उसमें फोर्स लग रहा हो लेकिन बॉडी हमारा रेस्ट में हो, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई बॉडी है, यहां पर इधर एक फोर्स लगाते हैं F1 और इधर एक फोर्स लगाया F2। बॉडी हमारा रेस्ट में है, इसका मतलब नेट जो फोर्स है ये F1 प्लस F2 इक्वल टू जीरो, यानी कि F1 इक्वल टू माइनस F2। जब किसी बॉडी पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क करता हो तो बॉडी हमारा रेस्ट में होगा। तो स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी हमारा रेस्ट में है और वह हमारा इक्विलिब्रियम में है। इसके बाद है हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कि बॉडी हमारा मोशन में है लेकिन वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, तो वह कहलाएगा हमारा काइनेमेटिक्स का ब्रांच, मैकेनिक्स का है। उसी में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। इट इज स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा कहां पर, मोशन में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ
मोशन, मोशन का क्या कॉज है? मोशन का कॉज जब किसी बॉडी पर कोई एक नेट फोर्स वर्क करता हो तो वो हमारा कॉज होगा। इसमें कॉज नहीं बनना चाहिए, यानी ऐसे समझिए कि यूनिफॉर्म मोशन है हमारा। थर्ड है हमारा इसमें डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब पावर होता है। यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, इट इज स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। यहां पर कॉज ऑफ मोशन, जो मोशन जिस कारण से यानी कि फोर्स लग रहा है वो बॉडी पर लग रहा हो तो वो हम लोग डायनामिक्स में पढ़ेंगे। तो हम लोगों को पढ़ना है यहां पर काइनेमेटिक्स, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें कुछ टर्म्स आते हैं काइनेमेटिक्स में, और उसको हम लोग पहले पढ़ें। फर्स्ट हम लोग थोड़ा देखें यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है एक प्रकार का हमारा कंसेप्ट है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग किसको कंसीडर करेंगे। अगर कोई बॉडी है हमारा, वह बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करता है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस इसके साइज से काफी बड़ा हो, एस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स इसके साइज से, तब ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कोई भी बड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्मॉल चीटी ले ले, एंट ले ले, अगर वह 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता हो छोटा सा, तो 5 मीटर यहां से यहां तक, और 5 मीटर आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस समय ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब है कोई कार है या कोई ट्रेन ले लीजिए, ट्रेन है आपको यहां से चल करके यहां पर आया, तो 5 मीटर डिस्टेंस के लिए ट्रेन हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग 5000 किलोमीटर ले लें डिस्टेंस, जो ट्रेन के साइज से काफी बड़ा है, तो इस समय ट्रेन हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई बड़ी, और वह डिस्टेंस उसके साइज से काफी बड़ा हो, तो वह ऑब्जेक्ट और बड़ी हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। द ऑब्जेक्ट और बड़ी इज मैटर which bounded by definite boundary definite boundary। एक definite boundary से जो bounded होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई matter है, ये हमारा एक definite boundary से bounded है, तो ये हमारा object कहलाएगा। अब है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट में है कि साइज जो है ऑब्जेक्ट का काफी छोटा हो डिस्टेंस ट्रेवल करने के कंपेयर में, तो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। व्हेन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑब्जेक्ट।
तब ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। जब इसका साइज बहुत छोटा हो, निग्लिजिबल हो, तो उस कंडीशन में ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा एक कंसेप्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ए कंसेप्ट, बट ऑब्जेक्ट इज रियल, रियल में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा एक कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर में टॉपिक दिया हुआ है रेस्ट एंड मोशन, और खास कर रेस्ट एंड मोशन को समझें। रेस्ट और मोशन हमारा एक रिलेटिव कंसेप्ट है, एक रिलेटिव कंसेप्ट में है। यहाँ पर कोई भी बॉडी हो और एक हम एक फिक्स पॉइंट में, इस पॉइंट से इस बॉडी का पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पर पोजीशन चेंज नहीं करता हो, तो उस समय ये बॉडी हमारा रेस्ट में कहलाएगा। अगर ये फिक्स्ड पॉइंट में, फिक्स्ड पॉइंट से इस बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा हो, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये चेंज कर रहा हो, इसका पोजीशन ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो पोजीशन इसका चेंज कर रहा हो, तो हमारा ये मोशन नहीं कहलाएगा। लेकिन रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव कंसेप्ट में यहां पर मान लीजिए कि कोई कार है, उस कार में एक पर्सन हमारा, इस कार में एक पर्सन है, और पर्सन हमारा रेस्ट में है, कार में बैठा हुआ है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और कार मोशन में है। एक पर्सन हमारा ग्राउंड पर है, ये ग्राउंड पर एक पर्सन यहाँ पर, तो ये इसको देख रहा है, तो देख रहा है ये पर्सन आपका ए हुआ और ये बी, बी देख रहा है कि ए पर्सन है और ऑब्जेक्ट ओ है, दोनों का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कारण ये मोशन में है हमारा, ये मोशन में है, इसका पोजीशन यहाँ पर था, इसका पोजीशन यहाँ पर था, कुछ समय के बाद ये अपना पोजीशन चेंज कर दिया मोशन के कारण, तो पोजीशन चेंज कर दिया, इसका पोजीशन यहाँ पर हो गया और इसका पोजीशन ए हुआ, ये हुआ मैन का पोजीशन और ये आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये मैन का पोजीशन और ऑब्जेक्ट का पोजीशन, पहले इसका एक्स वन था, इसका एक्स टू था, इसका एक्स वन डैश हुआ और इसका एक्स टू डैश हुआ, टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज कर रहा हो ये देख रहा है, तो बी देख रहा है क्या ए और ऑब्जेक्ट वो दोनों मोशन में है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो ए जो देख रहा है कि इसको हमेशा रेस्ट में है, तो ऑब्जेक्ट वो ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और ऑब्जेक्ट वो बी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो हमारा कोई भी बड़ी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है, उसका हम लोग रिलेटिव निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में कोई बॉडी रेस्ट में है और किसके रिस्पेक्ट में कोई बॉडी हमारा मोशन में। तो रेस्ट का डेफिनेशन होगा यहां पर, व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट, देन बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट। जब फिक्स्ड पॉइंट रेस्पेक्ट में कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता हो टाइम के साथ, तो वह हमारा रेस्ट में कहलाएगा, कि बॉडी हमारा रेस्ट में है। व्हेन ए बॉडी चेंज
its position with time with respect to a fixed point, then body said to be in motion. जब फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी हमारा चेंज करता हो पोजीशन टाइम के साथ, वो बॉडी हमारा मोशन में कहलाएगा। तो हमने देखा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट। जैसे कुछ पर्सन कार में बैठकर किसी रोड पर स्ट्रेट रोड पर चल रहा हो तो कार के बगल में इलेक्ट्रिक पोल है, पेड़ है, कोई बिल्डिंग है, उसके रिस्पेक्ट में जितने भी पर्सन उसमें बैठे हुए हैं वह सब मोशन में है, लेकिन कार में जो बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जो है सो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो रेस्ट और मोशन हमारा एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, मोशन में है तो किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, यानी कि कोई भी बॉडी यूनिवर्स में आपका एब्सोल्यूट रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। नो बॉडी इन एब्सोल्यूट रेस्ट इन यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स में हमारा कोई बॉडी रेस्ट में नहीं है। जब यूनिवर्स में कोई बॉडी हमारा एब्सोल्यूट रेस्ट में भी नहीं है तो कोई भी बॉडी हमारा एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होगा, जब भी होगा एक रिलेटिव मोशन होगा। किसके रिस्पेक्ट में हुआ, मोशन क्या है उसका। अर्थ सरफेस पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ रोटेट करता है, तो अर्थ सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स हुआ, जितने भी बॉडी हुआ वो भी मोशन में है। यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स है सब मोशन में है, तो कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग जो कंसीडर करते हैं रेस्ट और मोशन वह रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट लेते हैं कोई फिक्स्ड पॉइंट। तो जिस फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी का मोशन हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, उसका क्या पोजीशन है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सलेशन है, इसका डिटरमिनेशन जिस फिक्स्ड पॉइंट लेकर करते हैं उसको कहते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग यहां पर पढ़े अब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग पढ़े फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, सो जो फिक्स बॉडी है जिसके रिस्पेक्ट में किसी बॉडी के मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं उसी को कहते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई बॉडी नहीं लेकर के हम इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, तो यहां पर कहेंगे दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ which motion of a body described is called a frame of reference, इसी को हम लोग frame of reference कहेंगे। जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं जैसे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, उसी को हम लोग कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, को फिक्स्ड पॉइंट कहिए या फ्रेम ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम कहें। यहां पर होगा हम लोगों को टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा फर्स्ट है इनर्शियल,
inertial frame of reference. वह frame of reference जो rest में हो या motion में हो with uniform velocity, तो उसको कहेंगे हम लोग inertial frame of reference. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ जो हमारा है वह वैलिड होता है. न्यूटन्स लॉ इसमें दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच आर इन रेस्ट और इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. वह कहलाएगा हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कंप्लीटली रेस्ट में हो या इनफॉर्म वेलोसिटी से हो, तो वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा. द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड. इसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ जो हमारा है वो वैलिड होता है. उसके बाद सेकेंड है हमारा नन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नन इनर्शियल वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेशनल मोशन में रोटेट करता हो या एक्सेलेटेड हो, उसी को कहेंगे हम लोग नन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच आर इन रोटेशनल मोशन और इन एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक्सेलरेटेड मोशन हो एक्सेलरेशन हो, इज कॉल्ड एज नन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. वो नन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा जो एक्सेलेटेड हो और रोटेशनल मोशन में हो, वह कहलाएगा नन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यहां पर एक बात को हम डिस्कस करते हैं, अर्थ हमारा रोटेशनल मोशन में है तो वह आता है नन इनर्शियल में, लेकिन उसको नॉन इनर्शियल में कंसीडर करके नहीं, अर्थ को कंसीडर किया जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ हमारा वैलिड नहीं होता है. इसका फिर लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें जाकर इसके बारे में फिर डिस्कस हम लोग करेंगे. तो हमने देखा अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आगे हम लोग चलें यहां पर टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन का टाइप्स है, फर्स्ट है आपका ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन में अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बड़ी है, अगर वह मोशन में हमारा हो कोई भी बड़ी, सभी पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस हमारा ट्रेवल करता हो वह इक्वल हो, तो वह कहलाएगा हमारा ट्रांसलेटरी मोशन में. यहाँ पर
मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें थ्री पार्टिकल्स है, उस समय के बाद अपना पोजिशन चेंज करके बॉडी यहाँ पर ले आया है, सभी पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा हो वह हमारा जब इक्वल हो तो वह कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। तो यहां पर होगा दैट मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच दिस टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी आर सेम इज कॉल्ड ए ट्रांसलेटरी मोशन। सभी पार्टिकल्स मान लीजिए कि यहां पर एक बॉडी हमारा है, उस समय के बाद उसका पोजिशन चेंज करके बॉडी का यहां पर आ गया, यहां पर थ्री पार्टिकल्स है, पार्टिकल है हमारा ए, यह बी सी, इसका डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, यहां पर ए डैश, इसका डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, बी डैश, इसका ये डिस्टेंस चल गया, सी डैश, तीनों हमारा इक्वल हो, ये ए डैश बी बी डैश सी सी डैश अगर हमारा इक्वल है तो ये कहलाता है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में ये सभी पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन पर चला है, इसको कहते हैं हम लोग रेक्टिव लीनियर मोशन, इसको ट्रांसलेटरी मोशन में कहलाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। अगर यही पार्ट बॉडी हमारा है, यहाँ पर थ्री पार्टिकल्स हैं, ये बॉडी का मोशन यहाँ पर हो हमारा, ये भी ट्रांसलेटरी ही होगा, यह ट्रांसलेटरी हुआ, ये बॉडी मान लीजिए कि यहाँ से चल करके ऐसे पहुंचा, ये बॉडी यहाँ से चल करके ऐसे पहुंचा, ये बॉडी यहाँ से चल करके ऐसे पहुंचा, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन होगा, बॉडी ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश पार्टिकल्स का है, यहाँ भी डिस्टेंस ए डैश इसका टू है, बी बी डैश इसका टू, सी सी डैश सब बराबर है, ये पाथ इसका स्ट्रेट लाइन है, कर्व पर चल रहा है, कर्व लीनियर, ये कर्व लीनियर कहलाता है हमारा, कर्व लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन या कर्व लीनियर मोशन होगा, एक कर्व लीनियर मोशन होगा, ये हमारा रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, सभी पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन पर चल रहा हो करेक्ट लीनियर मोशन होगा, और सभी पार्टिकल सेम कर्व पर चल रहा हो, सेम सेम हो तो, और डिस्टेंस भी सबका सेम होगा, तो ये कहलाएगा कर्व लीनियर मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में एक रेक्ट लीनियर मोशन हो गया और दूसरा हो गया कर्व लीनियर मोशन। सेकेंड है हमारा रोटेटरी मोशन, कोई भी पार्टिकल कोई भी बॉडी हमारा किसी एक्सिस के अबाउ वह रोटेट कर रहा हो तो वह कहलाएगा रोटेटरी मोशन कहलाएगा, और जिस एक्सिस के अबाउ रोटेट करता है तो वह कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें कोई भी बॉडी है अगर मोशन में है तो उसके सभी पार्टिकल्स का डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है वह डिफरेंट होता है, जब डिफरेंट हो तो वह कहलाएगा रोटेटरी मोशन। दैट मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी आर डिफरेंट इज
कॉल्ड एज रोटेटरी मोशन। तो ये रोटेटरी मोशन कहलाता है। जैसे इसको हम लोग समझे, यहाँ पर हमारा कोई बॉडी है, इसका थ्री पार्टिकल्स लेते हैं, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी। उस समय के बाद बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर लिया, यानी मोशन में है, तो पोजीशन चेंज किया इस तरह से, इसका पार्टिकल ए डैश है भाई, बी डैश और सी डैश, इसका डिस्टेंस ए हो, इसका डिस्टेंस ए हो, इसका डिस्टेंस ए हो। तो यहाँ पर ए ए डैश नॉट इक्वल टू बी बी डैश नॉट इक्वल टू सी सी डैश, ये तीनों हमारा इक्वल नहीं है, तो ये कहलाएगा प्रोजेक्शनल मोशन में। मान लीजिए कि ये हमारा कोई सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से कोई एक्सिस पास कर रहा हो, ये एक्सिस मान लीजिए हमारा ए बी है, इसके अराउंड कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, यहाँ पर है, कुछ समय के बाद यहाँ आया, कुछ समय के बाद यहाँ, उस समय के बाद यहाँ है पार्टिकल। तो इस तरह से इस पार्टिकल का मोशन जो होगा वो रोटेटरी मोशन कहलाएगा, और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है उसी को कहते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के बाद वो रोटेट करता हुआ कहलाता है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है, इसका उससे कम है, और उससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, अरे सबसे ज़्यादा इसका है। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा कोई पार्टिकल सब ऐसे करके एक लाइन से ज्वाइंटेड हो, उस समय के बाद अपना पोजीशन चेंज कर दिया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो पार्टिकल ए यहाँ पर है, आप पार्टिकल ओ, बी और सी, इसका पोजीशन ए डैश, बी डैश और सी डैश, इसका डिस्टेंस ये हुआ, इसका डिस्टेंस ये हुआ, इसका डिस्टेंस ये हुआ। तो रोटेशनल मोशन में सभी पार्टिकल्स जो एंगल बनाता है वो सेम, ये एंगल दोनों से सेम बनता है, लेकिन डिस्टेंस इसका मान लीजिए एस वन है, यहाँ पर एस टू है, इसका एस थ्री है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा, इसका डिस्टेंस कम, इसका डिस्टेंस कम। सेम टाइम में ये सी सी डैश आ रहा है, बी बी डैश आ रहा है, ए ए डैश आ रहा है, यानी कि इसका वेलोसिटी अगर हम वी थ्री लिए, इसका वेलोसिटी हम लोग वी टू ले लिए, इसका वी थ्री लिए, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी वी थ्री का होगा, इसका वेलोसिटी उससे कम होगा, उससे कम होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी सबसे कम इसका होगा, इसके बाद सबसे ज़्यादा हमारा वी थ्री का वेलोसिटी होगा, कारण कि सेम टाइम में, टाइम यहाँ पर हमारा सेम है, सेम टाइम में एंगल सब सेम बना रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी इसमें सेम होगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबका डिफरेंट होता है। रोटेशनल मोशन जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसके बारे में फिर डिटेल्स में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ टाइप्स की थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। थर्ड है हमारा ऑक्सिलेटरी मोशन, ये चैप्टर ही हम लोग को पढ़ना है, रोटेशनल और ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन में कोई भी पार्टिकल है आपका, यहाँ पर कोई फिक्स पॉइंट है, यहाँ से पार्टिकल चल कर के यहाँ आता है, और यहाँ से पार्टिकल चल कर के यहाँ पर, फिर यहाँ से बैक होकर के फिर पार्टिकल यहाँ, और फिर यहाँ से बैक होकर यहाँ आता है, तो इसको कहेंगे ऑक्सिलेटरी मोशन। ये पार्टिकल फिक्स पॉइंट है, वो फिक्स पॉइंट से पार्टिकल चल कर यहाँ आया, यहाँ से लौट करके यहाँ पर, फिर यहाँ पर आया, तो ये कहलाएगा हमारा ऑक्सिलेटरी मोशन, किसी फिक्स पॉइंट के आगे, हाँ, अप एंड डाउन और थ्रू एंड फ्रो जब मोशन हो किसी भी पार्टिकल्स का, तो उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सिलेटरी मोशन। दैट मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन अबाउट ए
अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज ऑक्सिलेटरी मोशन। तो वो ऑक्सिलेटरी मोशन होगा। जैसे सिंपल पेंडुलम है, उसका भी मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन है, पेंडुलम है, एक बॉब है, ये आपका यहाँ से यहाँ इसका मोशन होता है, ये भी ये मोशन है, ये पोजीशन है, बी है, सी है, ए से चल करके बी आया, बी से फिर ए से फिर सी, सी से फिर बी आया, तो ये कहलाएगा हमारा ऑक्सिलेटरी मोशन। तो ये हमारा ऑक्सिलेटरी मोशन हुआ। इसी फिक्स पॉइंट के ऊपर नीचे या आगे पीछे जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करता हो तो वह कहलाएगा हमारा ऑक्सिलेटरी मोशन। अब हम लोग डिस्कस करें वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। हम लोग वन डायमेंशनल मोशन, जब कोई पार्टिकल चाहे कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव करता हो तो वन डायमेंशनल कहलाता है। वन डायमेंशनल सिर्फ वन कोऑर्डिनेट बॉडी का चेंज होता है, दैट मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ बॉडी चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल मोशन। तो ये हमारा वन डायमेंशनल मोशन का सिर्फ वन कोऑर्डिनेट, इसको ऐसे भी सब कहते हैं यहां पर मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन पर हो, अगर कोई कार स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा हो हमारा, तो वह कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन। यहां पर मोशन ऑफ ए कार ऑन स्ट्रेट रोड इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल मोशन। इसमें सिंपली वन कोऑर्डिनेट चेंज होता है बॉडी का, तो वह कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन। अब हम लोग पढ़े टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में किसी भी बॉडी का दो कोऑर्डिनेट चेंज होता है, यहां पर बॉडी का दो कोऑर्डिनेट चेंज होगा, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में दो कोऑर्डिनेट चेंज होता है, इसमें दैट मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच टू कोऑर्डिनेट ऑफ बॉडी चेंज इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल मोशन। तो ये हमारा कहलाएगा टू डायमेंशनल मोशन। इसमें दो कोऑर्डिनेट हुआ, यानी दो कोऑर्डिनेट तो बॉडी किसी प्लेन में चेंज करेगा, जैसे कि यहां पर हमारा एक्स और वाई एक कोऑर्डिनेट है, इसमें कोई बॉडी चल रहा हो यहां से यहां, तो ये कहलाएगा ए से बी, तो इसका मोशन कहलाएगा हमारा टू डायमेंशनल मोशन। इसमें बॉडी का दो कोऑर्डिनेट चेंज होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग मोशन इन
ए प्लेन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल मोशन। इसको हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे, यानी इसको मोशन इन ए प्लेन भी कहा जाता है, टू डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, इट इज आर टू डायमेंशनल मोशन। ये हमारा टू डायमेंशनल मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट है ये और वाई कोऑर्डिनेट है, किसी पार्टिकल्स को यहाँ से हम फेंके तो पार्टिकल अगर ऐसे गिर रहा हो यहाँ पर इस बॉक्स को, इसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें प्रत्येक पॉइंट पर पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होता हो तो ये कहलाएगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, एक टू डायमेंशनल मोशन है। अब है यहाँ पर कोई सर्कुलर मोशन में पार्टिकल्स हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर से यहाँ पर आया, तो इस तरह से इसमें पार्टिकल का दो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज होता रहता है, तो ये कहलाता है हमारा टू डायमेंशनल मोशन। अब हम लोग करें थर्ड में थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल में थ्री कोऑर्डिनेट, इसको थ्री डी भी कहा जाता है, थ्री कोऑर्डिनेट चेंज करता हो, दैट मोशन इन विच थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बॉडी चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड एज थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ पर हम इधर चले एक्स कोऑर्डिनेट, इधर चले वाई कोऑर्डिनेट, इधर चले तो जेड कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होता हो तो कहलाता है हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन तभी होगा जब हम कोई स्पेस में हो, तो ये मोशन इन स्पेस को भी कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन, दैट इज मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्पेस इज कॉल्ड एज थ्री डायमेंशनल मोशन। ये थ्री डायमेंशनल मोशन होगा स्पेस में भी, थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मोशन ऑफ एरोप्लेन इन स्काई, मोशन ऑफ काइट इन विंड, एटीसी आर थ्री डायमेंशनल मोशन। ये सब हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन करेगा, थ्री कोऑर्डिनेट इसमें बढ़ेगा, चेंज करेगा। थैंक यू।